Ganga. I love you all. My mom thinks I'll watch you. Thank you. Thank you very much. अभी ये मेरे भैया ये आपके भैया अच्छा मैं इनका भैया मुझे लगा आप इनको भैया सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल और आज डे टू है शूट का. कल मेरा डे शूट था, आज मेरा नाइट शूट है. सो मेरा कॉल टाइम है 4 बजे का और अभी बज रहे हैं 1:30. तो बस मुझे अभी रेडी होना है और खाना खा के निकलना है. और आज शूट लोकेशन भी चेंज है, कल गोरेगांव में थी आज मलाड में है. तो मैं आपको शूट लोकेशन में दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी लोकेशन है वो जहां मैं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं एक दो बार वहां पे गया हूं. तो देखते रहो, बाय. सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूं और मेरे को निकलना है शूट के लिए. सो मैं चलता हूं, जा रहा हूं मैं कशु. ठीक है, ये मेरा बाहर का व्यू है बिल्डिंग के और ये अंदर का व्यू है. सो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपसे शूट लोकेशन पे. अभी मेरा मास्क कहाँ है, मास्क लगाना, बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना जरूरी है. तो मैं कल सुबह 4 बजे इधर से ही गया था, कल तो कुछ दिखा नहीं होगा इसलिए मैंने वापस से आपको दिखा दिया है. बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलते हैं मैं आपसे शूट लोकेशन पे मिलता हूँ. तो गाइस फाइनली हम अपनी शूट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं. ये हमारी शूट लोकेशन है, यहाँ पे शूट है हमारा आज का. और मैंने बोला था ना बहुत अच्छी शूट लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो ये शूट लोकेशन है और ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम बैठेंगे, लेकिन अभी वो रेडी हुई नहीं है गाड़ी. तो नहीं ये नहीं है, ये हमारी गाड़ी है. हेलो, और ये हमारी भाभी है. देखो हमसे पहले पहुंच गए जो हमसे बाद निकलने वाली. वाह, डायरेक्ट फ्लाइट ली मेरा रोड से, सीधे यहीं लैंड हुई. हाँ, राजवीर तो नहीं आए थे? सीधा एयरपोर्ट. मिले थे? नहीं सर, मिला था. तो छोड़ दिया. क्या बात है, तो मुझे बिठाएगा तो भी नहीं बैठूंगी इसके साथ. ये देखो हमारी वैनिटी रेडी होते हुए, दूल्हा का भाई और दूल्हा पीछे ही खड़ा है. हाँ, ये हमारी वैनिटी रेडी हो रही है जिसपे हमारा नाम लिखा जा रहा है. दूल्हा इज ब्रदर और दूल्हा, मतलब दूल्हा तो मैं ही हूँ. अरे उनको बोला महाराज कहाँ गए? अरे चलो भाई, अपनी वैनिटी ब्लू वाली है. तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है. इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों. मेकअप हो चुका है, बस ये मेरी ड्रेस है, मुझे ड्रेस पहननी है और रेडी होना है. बस थोड़े बाल बना लेता हूँ क्योंकि जो मेरा करेक्टर है एज दूल्हे का, उसमें मेरे ऐसे फंकी बाल इनको नहीं चाहिए, तो उनको सिंपल बाल चाहिए. तो मैं बाल बना लेता हूँ और आज का दिन देखते हैं कैसा होता है. नाइट शूट है और जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा. बाकी नाइट शूट में तो बहुत मजे आते हैं. तो गाइस अब ड्रेस पहन के हम रेडी हो चुके हैं और ये देखो भैया अभी इनका मेकअप हुआ है और अभी इन्होंने कपड़े पहने नहीं है. भैया पेट निकल रहा है बहुत ज्यादा, कल तो दिख नहीं रहा था, आज बहुत ज्यादा दिख रहा है, कम कर लो. ठीक है भाई.
तो ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं और मेरे बाल देख सकते हो, इन्होंने जैसे बोला था वैसे मैंने थोड़े नीचे कर लिए हैं। सो गाइज ये शूट चल रहा है हमारा और वो कैमरा लगा है, वो सर खड़े हैं जिनका सीन लगा हुआ है और ये लोकेशन है जो एयरपोर्ट बना है लोकेशन। तो गाइज ये मेरी गाड़ी है जो बारिश की वजह से कल ख़राब हुई थी, ख़राब मतलब पूरा सेटअप जो था बलून वलून सब ख़राब हो गए थे, तो आज फिर से बनाई है उन्होंने और देखो कैसा लग रहा है। और ये शूट लोकेशन है, वहाँ पे वाइट कलर का जो है वहाँ पे शूट चल, वहाँ पे ये जो वाइट कलर का है उसको रेस्टोरेंट बनाया है, जो एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट रहता है, यहाँ पे शूट चल रहा है वहाँ। और मेरे पीछे आप जो रेड कलर की गाड़ी देख रहे हैं उसमें मेन आर्टिस्ट बैठे हैं और वाइट वाले में मेरी वाइफ और मेरी भाभी बैठी हैं जो मेरी वाइफ बनी है इस सीरियल में, और ब्लू वाले में मैं बैठा हूँ और मेरे भैया बैठे हैं। मेरे भैया पता नहीं किधर हैं, ये रहे भाभी से बात कर रहे हैं, ये मेरे भैया हैं और ये मेरी भाभी बनी है, मिलवाता हूँ आपको इनसे। ये देखो ये मेरी भाभी, ये मेरे भैया, ये आपके भैया, ये आपके भैया थे, तुम्हारे भैया। अच्छा मैं इनका भैया हूँ, मुझे लगा आप इनको भैया हो। चलेगा ना तो चलेगा, रियल में थोड़ी ना हाँ। कुछ भी बोलते भैया, आप लाल लाल क्यों लग रहे हो भैया? अरे तुम्हारा कैमरा लाल लाल लग रहा है यार, ऐसा है क्या? एक्चुअली तुम्हारा फेस ही आज लाल किया है। हाँ बहुत ज्यादा ना, इसका कंट्रास्ट नहीं नहीं भैया, फेस अलग ही दिखता है इसका, कहाँ है मेरा ध्यान? मैं तो हूँ स्मार्ट भैया, आप देखो मैं स्मार्ट नहीं, कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा बेस ज्यादा लगे, लालामी है चेहरे की। नहीं, एप्पल का जूस पीते हम सुबह से उठते, सही है। हम क्या पीते? और मेरी वाइफ का है वॉशरूम, ये तो मट्ठा पीता है। हमें बुला रहे? ये देखो हमारी सुंदर सी वाइफ आ गई, बहुत था वो वाइफ। मैं ये देखो बेइज्जती कर रही है वाइफ, देख रहे हो वाइफ का लेके क्या तो खास कम रही है। हाँ Hi, this is Ishita Datta and I hope आप सब मेरा शो देख रहे हैं। थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी on colors 9:30। जिस तरह से आप हमेशा मुझे प्यार देते हैं, प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए and I love you all. Thank you. गाइज आपने देखा मैंने मैम के साथ वीडियो बनाई, बस मैंने उन्हें एक बार बोला और उन्होंने वीडियो के लिए हाँ बोल दी, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज मैंने आपको बताया था मेरा नाइट शूट है, तो मैं आपको नाइट की लोकेशन दिखाता हूँ, नाइट लोकेशन कैसी है। ये देखो यहाँ हमारा शूट है नाइट का और अभी मेरा सीन है, तो मैं सीन में जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार अच्छे से लोकेशन दिखा देता हूँ। सो गाइज ये है लोकेशन, इस लोकेशन पे हमारा शूट है। डांस कर लो गे ना, आप देख सकते हैं शूट लोकेशन, एक सीन के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतना सब सेटअप लगाना पड़ता है, एक सीन के लिए इतनी मेहनत लगती है और क्रू मेंबर है जो इतनी मेहनत करते हैं एक शूट के पीछे, एक सीन के पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है। क्या हुआ आपकी खास हो? तुमने ले ली, मैं खा रही थी। सो गाइज रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक शूट चल रहा है हमारा, बहुत नींद आ रही है पर शूट करना भी ज़रूरी है। अभी तक शूट चल रहा है हमारा, 12 बज चुके हैं और मज़े बहुत आ रहे हैं, बस तो देखते हैं क्या होता है आगे, कब पैकअप होता है, मे बी 4 बज जाएंगे। सो लेट्स सी। अच्छा
जब इतने गुरुद्वारे में लंगर लगता है यहाँ पे सात बंगलों में रोज लंगर लगता है तब नहीं आप लोग पूछते कि पैसा कहाँ से आ रहा है उसी कैनेडा से ही आता है वहीं की संस्थाओं से पैसा आता है किसने कह दिया भाई हमारे गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे लंगर चलता है तब नहीं पूछता कोई कि पैसा कहाँ से आता है अब लोगों को हम खिला सकते हैं अपने लोगों को खिलाने के लिए क्या हमको 7-8 महीने क्या 3-4 साल हम खिला सकते हैं अच्छे से कैनेडा के एनजीओ से पैसे आ मेरे भाई को अब मैं बोलूँ वो कितने पैसे भेज रही क्योंकि एनजीओ में पैसे आते हैं गुरुद्वारा में जब लंगर बटता है इतना लगातार वो कौन पैसा देता है वहीं से आता है एनजीओ जो बाहर के हैं वो पैसे देते हैं केवल गुरुद्वारे में नहीं बटता बहुत सी जगह पर लंगर लगते हैं बहुत कम और हर जगह कनाडा से पैसे नहीं आते बहुत कम सिरडी में लगते हैं सिरडी में खिलाते हैं लोग कनाडा से पैसा आता है खिलाते हैं लेकिन हर जगह वैष्णो देवी में खिलता है हर जगह हर जगह नहीं पहुंचते इन लोगों की बातों से हमें बहुत नींद आ रही है बस ही नींद आ रही है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो ऊपर से जा रही है और नींद आ रही है 100% हमारे भैया ऐसी बात कर रहे हैं और हमारी दोनों लड़ रहे हैं जीवन भर करेंगे क्या होगा पता नहीं कौन जीता है ये भी पता कन्वर्सेशन खत्म क्यों कन्वर्सेशन खत्म गाइस मेरे को अपने दिमाग का क्या कर रहे हो आप कहाँ है अरे इतनी ऊपर कैसे पहुंचा दिया छोड़ना मत गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं और स्टिल अभी भी शूटिंग ऑन है एनर्जी फुल है लेकिन बस नींद आ रही है और मजे भी बहुत आ रहे हैं बस लास्ट सीन बचा उसके बाद फिर पैकअप हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी सीन हो जाए और जल्दी जल्दी पैकअप हो जाए और हम घर चले जाएं बाकी आई होप आपको भी मजे आ रहे हैं और मुझे मजे आ ही रहे हैं बैकग्राउंड साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि सब काम कर रहे हैं आई होप आपको मजे आ रहे होंगे जैसे मुझे आया ये देखो यहाँ पे लास्ट सीन यहाँ लास्ट सीन यहाँ पर है बस ये लास्ट सीन होगा और फिर पैक हो जाएगा सो गाइस पैकअप हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बस अब घर जाएंगे और सोएंगे बहुत ही बिजी डे था लेकिन मज़ा बहुत आया सो गाइस ये हमारा रूम जिसमें आज हम रुके हैं बाय बाय रूम जल्दी मिलेंगे और ये हमारा सेट है जो अभी थोड़ा सा कुछ सीन रह गया है ये हमारी गाड़ी थी ये व्हाइट हाउस वो सेट और बाय